हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज समझने वाले हैं और ये अनसीन पैसेज बिल्कुल लेटेस्ट है क्योंकि ये क्लास 10th के सीबीएसई सैंपल पेपर से लिया गया है जो कि सीबीएसई ने इसी महीने रिलीज किया है। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा 9th से 12th तक के कोई भी स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर इंग्लिश के हर क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के जवाब को रटना ना पड़े और आप इंग्लिश को समझकर उसके जवाब लिख सकें। तो इसलिए पहले हम अपने अनसीन पैसेज को हिंदी में समझेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल पूरे आंसर लिखे हुए मिलेंगे। तो चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज ऑन अर्थ, येट इट इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। हमारे धरती पर पाए जाने वाले मुख्य रिसोर्सेज में से पानी भी एक है, लेकिन हम इसकी कदर ही नहीं करते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स अबंडेंस। द रियलिटी इज दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज फ्रेश एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। इतनी ज्यादा अबंडेंस यानी प्रचुरता यानी अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में जितना भी पानी अवेलेबल है उसका केवल एक छोटा सा फ्रैक्शन, छोटा सा हिस्सा ही फ्रेश है और जिसे ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, क्लाइमेट चेंज एंड इंडस्ट्रियल डिमांड्स, द प्रेशर ऑन आवर वाटर रिसोर्सेज इज ग्रोइंग। बढ़ती जनसंख्या, मौसम में बदलाव और फैक्ट्रीज में भी पानी की जरूरत बढ़ने के कारण इस वाटर रिसोर्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। This makes water conservation not just a collective responsibility, but a crucial individual duty. इसकी वजह से water conservation, पानी का संरक्षण, पानी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, collective responsibility है। लेकिन उससे पहले ये एक individual duty है, मतलब हर एक बंदे की, हर एक इंसान की duty है। Each person's efforts towards conserving water can significantly impact the preservation of this vital resource for future generation. हर एक व्यक्ति का एफर्ट पानी को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है ताकि हमारी आगे आने वाली जेनरेशंस भी इसका उपयोग कर सके। सेकंड पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस व्हिच मे सीम ट्रिवियल ऑन देयर ओन। यहां पर इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन पर जोर दिया जा रहा है, मतलब हर एक को कोशिश करनी पड़ेगी। खाली सरकार कोशिश नहीं करेगी या खाली एनजीओ की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो वो छोटे छोटे एक्शन मिलकर बहुत बड़ा इफेक्ट देते हैं। देखने में ऐसा लग सकता है कि ये बहुत छोटा एक्शन है और बहुत तुच्छ दिख सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इस पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने वाला है आगे। However, फिर भी when multiplied by millions of people, these actions can lead to substantial water saving. लेकिन ये छोटे छोटे steps को करने वाले जब लाखों लोग मिल जाते हैं तो इनसे बहुत ज्यादा पानी की saving की जा सकती है। For example, a single dripping tap can waste over 15 liters of water a day. पानी का एक नल अगर टप 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 टपक रहा है तो वो एक दिन में 15 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। Imagine the water saved if every household in a city repaired just one leaky faucet. Imagine करो कितना पानी बचेगा अगर हर घर में, हर शहर में, हर घर में एक लीक होने वाले नल को ठीक कर दिया जाए। This highlights the power of collective individual actions in reducing water waste. तो ये इस बात को highlight करता है कि individual actions का collective प्रभाव कितना ज्यादा पड़ता है। तो अभी तक दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन की बात की जा रही है, लेकिन मुख्य तौर पर ये कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल एक्शंस बहुत जरूरी है। थर्ड पैराग्राफ, मोरओवर पर्सनल एफर्ट्स टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन ऑफन लीड टू ग्रेटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जब कोई ग्रुप कर रहा होता है या सरकार कर रही होती है तो हम इतने अवेयर नहीं हो पाते, जागरूक नहीं हो पाते। जब हम पर्सनल लेवल पे किसी काम को करते हैं तब उसके प्रति हमारी जागरूकता और हमारी नॉलेज ज्यादा बढ़ती है। When individuals take steps to conserve water, they become more conscious of their water usage and the importance of their resource. जब हर एक व्यक्ति पानी बचाने के लिए कदम उठाता है तो वो अपने खपत को लेकर और
पानी की इम्पोर्टेंस को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाता है, ज्यादा सचेत हो जाता है. दिस अवेयरनेस कैन देन स्प्रेड विद कम्युनिटीज इंस्पायरिंग अदर्स टू अडॉप्ट सिमिलर प्रैक्टिसेस. और जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं तो उन्हें देखकर पूरी की पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी प्रभावित होती है, जिससे सभी लोग इसी तरीके के कदम उठाते हैं. फॉर इंस्टेंस अ फैमिली दैट इंस्टॉल्स वाटर सेविंग डिवाइसेज इन देयर होम मे एनकरेज नेबर्स एंड फ्रेंड्स टू डू द सेम, क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट. जैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि अगर एक फैमिली अपने घर में वाटर सेविंग डिवाइसेज लगाती है, कुछ उपकरण लगाती है जिससे पानी की बचत हो रही है, उससे उनके जो पड़ोसी हैं और उनके जो दोस्त हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा ऐसा ही कुछ करने का. ये एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है. जिस तरीके से आप किसी वाटर बॉडी में, नदी या समुद्र में जब एक पत्थर फेंकते हैं तो वो एक लहर बनती है, आगे बनती है, आगे बनती है, उसके आगे बनती है, उसको कहा जाता है रिपल इफेक्ट. तो एक आदमी को देखकर दूसरा आदमी काम करता है. This grassroots approach to conservation can be particularly effective in areas where large-scale initiatives may be slow to implement or lacking in support. अब ये इस approach को क्या कह रहे हैं? Grassroots approach. हर एक व्यक्ति इस चीज पर काम कर रहा है, तो grassroots level से बिल्कुल नीचे से काम किया जा रहा है जब पानी की conservation के लिए, तो इससे बड़े बड़े initiative लेने में मदद मिलती है. क्योंकि बड़े initiative, बड़ा कुछ कोई प्लान या पॉलिसी एकदम से लाना पॉसिबल नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत होती है और बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं. तो छोटे लेवल पे शुरू करके बड़ा असर लाया जा सकता है. फोर्थ पैराग्राफ को समझिए. इन एडिशन टू डेली हैबिट्स इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस थ्रू मोर सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस. अब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में तो कुछ बदलाव करेंगे ही, उसके अलावा हमें थोड़े से लार्ज स्केल पर अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को भी बदलना चाहिए. जैसे कि ऑप्टिंग फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स इन गार्डन्स एंड सपोर्टिंग वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन. जैसे हमें कहा जाता है कि रोज ब्रश कर रहे हो तो पानी का नल बंद कर दो या सिर्फ एक बाल्टी पानी में ही पोछा लगाओ, ये तो हो गई डेली चॉइसेस. अब लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है? लाइफस्टाइल में होता है कि जिसका इफेक्ट लंबे समय तक चलता है. तो कहा जा रहा है कि इस तरीके के पौधे लगाएं जिनको कि कम पानी की आवश्यकता होती है, और उसी तरीके की हम खेती भी कर सकते हैं जिससे वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा. एग्रीकल्चर स्पेशली लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ वाटर ग्लोबली. ये कह रहे हैं कि जो लोग जैसे कि लाइफ स्टॉक्स को रखते हैं, यानी कि मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय वगैरह को पालते हैं, तो ये बहुत ज्यादा वाटर कंजम्पशन के कारण है. By supporting sustainable farming practices, individuals can indirectly reduce the water footprint of their food. यदि हम इस तरीके की farming practices को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने खाने में इस्तेमाल होने वाले पानी की मात्रा को कम कर सकते हैं. Fifth paragraph. Critics might argue that individual efforts are negligible compared to the large-scale water consumption by industries and agriculture. इसके आलोचक ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, जबकि लार्ज स्केल पर इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज चलाई गई हैं. हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव ओवरलुक्स द पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल एक्शंस टू ड्राइव सिस्टमैटिक चेंज. लेकिन उन लोगों की जो सोच है वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है कि जब किसी भी चीज के लिए छोटे छोटे बहुत सारे लोग मिलकर एक ड्राइव चला देते हैं, एक अभियान चला देते हैं, तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है. When people collectively make water conscious choices, they send a powerful message to businesses and policy makers about the importance of conservation. और जब लोग individual level पे water conscious choices बनाएंगे तो इससे बड़े बड़े businesses को ये message जाएगा कि उन्हें भी पानी बचाने की तरफ और अधिक ध्यान देना चाहिए और अधिक काम करना चाहिए. Sixth paragraph. Each person's commitment to saving water, no matter how small, contributes to a large culture of sustainability. हर एक बंदे की जो कमिटमेंट होती है पानी बचाने के लिए, चाहे वो कितनी छोटी सी है, लेकिन वो एक सस्टेनेबिलिटी के कल्चर को बढ़ावा देती है, एक ऐसे कल्चर को, एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देती है जिससे कि हम फ्यूचर में लंबे समय तक बने रहेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे. बाय मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस इंडिविजुअल्स कैन हेल्प इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशंस कैन एक्सेस द क्लीन फ्रेश वाटर दे नीड टू थ्राइव. तो जब हम इस तरीके की चॉइसेस बनाएंगे जिनसे कि हम पानी की बचत कर रहे हैं और अवेयरनेस फैलाएंगे एक दूसरे में कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए, तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस, आगे आने वाली जो हमारी जनता है, वो
भी क्लीन और फ्रेश वाटर को यूज कर पाएगी. वाटर कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, इट इज अ शेयर्ड ड्यूटी दैट बिगिंस विद ईच ऑफ अस. पानी बचाने का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ हमारी सरकारों की और उद्योगपतियों की नहीं है, ये एक शेयर्ड ड्यूटी है जो हम सबको मिलकर करनी चाहिए और जिसकी शुरुआत हम से शुरू होती है, हर एक इंसान से शुरू होती है. तो ये पैसेज यहाँ पर खत्म होता है. इस पूरे पैसेज में ये सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन इंडिविजुअल लेवल पर होनी चाहिए, तभी हम पानी की बचत कर पाएंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन पैराग्राफ वन व्हाट डज द फ्रेज ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्स एम्फसाइज. पहले पैराग्राफ में जब हमारे राइटर कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का जो एफर्ट है पानी बचाने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभाव डालता है इस वाइटल रिसोर्स पर, तो वहां पर वो किस बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, किस बात को महत्व दे रहे हैं? तो ये तो पूरा पैसेज पढ़ के हमें पता लग गया किस बात को महत्व दे रहे हैं. तब से वो यही महत्व दे रहे हैं कि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट एम्फेसाइजेस दैट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रूशियल इन प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस. मैंने एक जवाब और लिख के रखा हुआ है आपके लिए, आपको दोनों में से जो ठीक लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके आंसर में यही बात होनी चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल्स के काम करने पर एम्फेसाइज किया जा रहा है. इट एम्फेसाइजेस दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस कैन कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट ऑन वाटर कंजर्वेशन. आपको यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की या बार 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 आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है किसी भी आंसर को देखने के लिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है. ये आर्टिकल मेरी वेबसाइट sshout.com पर सभी के लिए बिल्कुल फ्री है. आप वहां जाकर पूरा का पूरा पैसेज देख सकते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ मर्जी कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन. दो ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है. वॉटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स एसेंशियल नेचर, बिकॉज वाटर की बेकदरी की जाती है, टेकन फॉर ग्रांटेड, बावजूद इसके कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है. ऐसा क्यों है? दो जो रीजन दिए हैं उनको देखकर फिर उसके बाद जवाब आप बताएंगे. इट इज अबंडेंट एंड ऑलवेज इजीली एक्सेसिबल मेकिंग पीपल लेस अवेयर ऑफ इट्स यूसेज. क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है और बहुत आसानी से भी मिल जाता है, इसलिए लोगों को इसके यूज करने के बारे में कुछ पता ही नहीं है. क्या ये कारण हो सकता है? दूसरा सुनिए, Its importance is not always recognized, leading people to overlook its value. इसकी जो importance है, उसको स्वीकारा नहीं गया, उसको पहचाना नहीं गया, इसलिए लोगों ने इसकी बेकदरी की, इसको overlook किया. तो इसका सही जवाब होगा B. Its importance is not always recognized. Third question देखिए, support the writer's idea that small individual actions towards water conservation are not trivial. अब राइटर ने पैराग्राफ टू में ये कहा था कि इंडिविजुअल एक्शंस जब वाटर कंजर्वेशन करेंगे तो वो ट्रिवियल नहीं है, वो तुच्छ नहीं है, वो छोटे नहीं है. इस बात को आप कैसे सपोर्ट करोगे? बात तो उन्होंने बता दिया, अब आपको सपोर्ट करना है कि हाँ भाई राइटर सही कह रहा है. तो हम कैसे बताएंगे? स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस आर इम्पैक्टफुल बिकॉज कलेक्टिवली दे कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल वाटर कंजर्वेशन. छोटे छोटे इंडिविजुअल एक्शंस भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं. जैसे कि एक टपकते हुए नल को अगर हर घर में ठीक किया जाए तो कितना सारा पानी बच सकता है, यही एग्जाम्पल हमने दे दिया. इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक और आंसर लिख के रखा है. When millions of people take similar small steps like fixing leaky taps or reducing water usage, the cumulative effect becomes enormous. यहाँ पर आप ये वर्ड याद रखिए, क्यूमुलेटिव इफेक्ट. क्यूमुलेटिव होता है छोटी छोटी चीजों का मिलकर जो बड़ा इफेक्ट होता है. तो जब लाखों करोड़ों लोग मिल जाते हैं और पानी बचाने की तरफ काम करते हैं तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो बहुत ही इनॉर्मस होता है, बहुत विशाल होता है. फोर्थ क्वेश्चन को समझिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिपल इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ एट स्कूल. रिपल इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, वो नदी में कंकड़ फेंका तो लहरें लहरें बढ़ रही है. ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं स्कूल में एक बच्चे की लाइफ का क्या रिपल इफेक्ट होता है. कुछ यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहे हैं, हमें कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, समझते हैं. अ स्टूडेंट्स एक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एट अ लोकल चैरिटी लीड्स टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज स्केल फंड रेजिंग इवेंट.
एक बच्चे ने स्कूल के किसी इवेंट में वॉलंटियरिंग करी, तो उसकी वजह से स्कूल का जो मैनेजमेंट कमिटी है वो और ज्यादा बड़े बड़े स्केल पर काम करेगी। क्या ये कुछ रिपल इफेक्ट जैसा लग रहा है? नहीं ना। सेकेंड पढ़ते हैं, अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली फॉलोज गुड स्टडी प्रैक्टिसेस इंस्पायर्स क्लासमेट्स टू इंप्रूव देयर स्टडी रूटीन्स क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस इन द क्लास। एक बच्चा जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है वो अपने क्लासमेट्स को भी प्रभावित करेगा कि वो लोग भी अपना स्टडी रूटीन फॉलो करें अच्छे से और पढ़ाई में बहुत अच्छा करके दिखाएं। ये तो हो सकता है क्योंकि एक अच्छे बच्चे को देखकर बाकी बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे कि इसको सभी टीचर्स अच्छा बता रहे हैं, इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो हमें भी इसकी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है बी, कि बी वाले से हमारा रिपल इफेक्ट के बारे में पता लगता है। क्वेश्चन फिफ्थ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, पैराग्राफ 3। अब यहाँ पर क्या था, सीबीएसई की वेबसाइट पर ये मिसिंग था, पर किसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया। दिस ग्रासरूट्स अप्रोच टू कंजर्वेशन कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एरियाज वेयर लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स मे बी स्लो टू इम्प्लीमेंट और लैकिंग इन सपोर्ट। ये जो हमें लाइन दी गई थी पैराग्राफ थ्री में, आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, जो भी बताएंगे उसका कारण भी बताना है। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स जो हैं दे रिक्वायर ह्यूज फंड्स एंड एफर्ट्स टू ब्रिंग चेंज, सो द ग्रास रूट अप्रोच कैन बी मोर इफेक्टिव। तो ऐसा नहीं है ना कि सरकार भर भर के बस पैसा ही खर्च करती रहेगी, लोगों को भी तो काम करना पड़ेगा, तभी तो इफेक्ट आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, द राइटर मेंशंस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन पैराग्राफ 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। कुछ हमें ऑप्शन दिया है, बताना है कौन सा सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब कि जो लंबे समय तक चलेगा। यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भर भर के केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करना, क्या ये सही है, क्या ये लंबे समय तक चलेगा? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। सेकेंड कहता है, क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू एक्सपैंड फार्मलैंड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि नेचुरली जो वेजिटेशन वगैरह जहां पर उग रही है उसको क्लियर कर दो, वहां से साफ कर दो, ताकि फार्म लैंड बड़ा हो जाए और ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके। ये कुछ लॉजिक इनका समझ नहीं आ रहा है कि नेचुरली जो उगा हुआ है उसको हटा दो और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, तो ये भी नहीं हो सकता। सी कह रहा है, इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन एंड यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। ये सही बात लग रही है कि क्रॉप रोटेशन करो, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एसएसटी में भी कि जब हम बदल बदल के हम फसल उगाते हैं तो उससे हमारी सॉइल के जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती रहती है, और साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद को यूज करेंगे तो सॉइल हेल्थ अच्छी रहती है। ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, लंबे समय तक चलेगी। तो सी सही जवाब है, डी को भी पढ़ लेते हैं। रिलाइंग सोलली ऑन मोनोकल्चर फार्मिंग टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ये कह रहे हैं मोनोकल्चर, बस एक ही तरह की खेती आपको करनी है, उससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है। ये गलत है क्योंकि एक ही तरीके की फसल को उगाने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। चलो सेवेंथ देखते हैं, लिस्ट एनी टू पॉइंट्स दैट अ पावरफुल मैसेज सेंट टू बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन माइट इंक्लूड। उन्होंने बताया था कि जब इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम करेंगे तो उससे पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास एक मैसेज जाएगा कि वो भी उस पर काम करें। तो कह रहा है कि अगर उनके पास कोई मैसेज जा रहा है, मतलब वो जो भी उनके दिमाग में जाएगा, तो क्या दो पॉइंट्स हो सकते हैं ये बताओ। क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे। इट विल स्ट्रेस द नीड फॉर बिजनेसेस टू इंप्लीमेंट वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स टू रिड्यूस देयर ओवरऑल वाटर कंजम्पशन। जब इंडिविजुअल लेवल पे सब लोग काम करने लगते हैं तो बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो भी इस पर काम करते हैं और उनके ऊपर दबाव पड़ता है कि हम भी वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें ताकि वाटर कंजम्पशन को कम किया जा सके। इट विल हाईलाइट द नेसेसिटी फॉर पॉलिसी मेकर्स टू क्रिएट एंड एनफोर्स रेगुलेशंस दैट प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एट होम एंड द वर्क प्लेस। इससे पॉलिसी मेकर्स को और जो बिजनेस लेवल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए जो बिजनेसेस होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो केवल अपने प्रॉफिट को बढ़ाने पर काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं। लेकिन जब सोसाइटी उस चीज को बढ़ चढ़कर उस चीज के लिए काम करेगी तो उन्हें भी करना पड़ेगा, तो बिजनेसमैन को भी करना पड़ेगा। इसलिए इससे हाईलाइट होगी पानी बचाने की जरूरत, कि पानी बचाने की जरूरत है और आप लोग भी उसके लिए अपने वर्क प्लेस पर भी और अपने घर में भी काम करो। एक पॉइंट और दे दिया मैंने, आपको लिखने दो ही हैं, एक्स्ट्रा मत लिखना।
It can emphasize the importance of investing in public education and awareness campaigns about water conservation to encourage broader community participation. अब इससे एक चीज और क्या हो सकती है कि वो लोग पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स को बढ़ावा देंगे. जगह जगह आप लोग देखते हो ना, कई जगह बोर्ड लगे होते हैं, जल बचाओ, जल ही जीवन है. तो इन सब पे खर्चा कौन कर रहा है? ये अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं ये, और पब्लिक एजुकेशन हो रही है इससे. तो इन सब पे खर्चा या तो सरकार करती है या पॉलिसी मेकर्स करते हैं, या जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा बिड़ला अंबानी, जिनके पास इतना इतना पैसा है, उन लोगों को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना पड़ता है. तो जब इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग काम करेंगे तो वो और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इसपे, जिससे कि पानी की बचत होगी. एथ क्वेश्चन कहता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन. पैराग्राफ 6 से लिया गया है. इन द फ्रेज कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी द वर्ड कल्चर रेफर्स टू. 6 पैराग्राफ में मैंने आपको बोला भी था कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एक आया था. वहां पे कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे तीज त्योहार, हमारे धर्म यही होगा. कल्चर का मतलब होता है माहौल, अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय अ ग्रुप. फर्स्ट ऑप्शन में ही वैसे जवाब आ गया है कि हमारी सोच, हमारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो माहौल होता है, उसको भी कल्चर कहा जा सकता है. सेकंड कह रहा है द आर्टिस्टिक एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड टू अ कम्युनिटीज हेरिटेज. किसी की हेरिटेज, किसी की विरासत और किसी आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है. लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड चॉइसेस दैट आर पॉपुलर अमंग द अर्बन. अर्बन एरिया में किस तरीके के हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट या चॉइसेस होते हैं, हम उस सब की बात नहीं कर रहे हैं. द टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज्ड इन डेवलपमेंट एफर्ट्स, इसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं. हमें अपने पैराग्राफ को पढ़ के समझना पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को किस सेंस में यूज किया गया है, और वो आप तभी पता लगा सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग करें. और रीडिंग करके अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करना, इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़. तो यहाँ पर ये वाला पैसेज खत्म हो गया है. इसके बाद हम और भी पैसेजेस के बारे में बात करेंगे. होपफुली नेक्स्ट मैं आपके लिए एक केस बेस्ड पैसेज लेकर आने वाली हूँ इसी सैंपल पेपर का, जो कि सेकंड क्वेश्चन है. अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, तो आप कमेंट में लिखकर बताइए. अगर आपको नहीं आती है, आप चाहते हैं कि मैम एक्सप्लेनेशन कम दो ताकि थोड़ा हमारा टाइम बचे, तो मैं कम भी कर सकती हूँ. मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स जैसे आएंगे उसके हिसाब से ही मैं वीडियो बना. और आप अपने सभी क्लास 10th में पढ़ने वाले फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि क्लास 10th का इंग्लिश का फुल्ली सॉल्व, फुल्ली आंसर्ड सैंपल पेपर जल्दी ही होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आने वाला है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.